उदयपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं। उदयपुर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। करीब 20 लाख मतदाताओं वाले उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां कांग्रेस अब तक 10 बार जीत दर्ज करवा चुकी है, जबकि बीजेपी ने 4 बार जीत का परचम लहराया है। एक बार जनसंघ और एक बार निर्दलीय ने जीत दर्ज कराई। उदयपुर लोकसभा सीट पहले जनरल सीट थी। परिसीमन के बाद साल 2009 में उदयपुर लोकसभा सीट रिजर्व सीट बन गई। इस बार पिछले चुनाव में भी आमने सामने रहे रघुवीर मीणा और अर्जुन लाल मीणा मैदान में हैं। अनिल जी, जी पिछली बार तो मोदी लहर थी, क्या इस बार भी उसका प्रभाव रहेगा? देखिए, मुझे तो मेवाड़ और वागड़ दोनों इलाकों में मोदी की वोट अपील दिख रही है। जी, मेवाड़ की जो सीटें हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, मेवाड़ का आदमी थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होता है जी। ऐसा मैंने पाया है। और इमोशनल आदमी को मोदी की जो भावनात्मक अपीलें हैं देशभक्ति की और दूसरी सारी तमाम राष्ट्रवाद की बातें जी, वो जल्दी अपील करती हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की धरती से तो देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा होता है। महाराणा प्रताप की धरती से तो वो देशभक्ति की बात, राष्ट्रवाद की बात, हिंदुत्व की बात वहाँ ज़्यादा अपील कर रही है लोगों को, जिसमें कोई दूर नहीं राजस्थान में। उदयपुर सीट की बात लें तो उदयपुर सीट इस वक्त शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। पिछली दो बार से, यानी जब डिलिमिटेशन हुआ था तो 2009 में पहली बार एसटी हुई, पर इससे पहले भी एक बार एसटी हुई थी। ये एसटी सीट हुई थी उदयपुर की, पहले जनरल सीट थी शुरू में जब आम चुनाव देश में शुरू हुए, और बलवंत सिंह मेहता, मेरे ख्याल से मेहता थे, मुझे ऐसा अंदाजा है, वो कांग्रेस के थे, वो पहली बार में सांसद बने। दूसरी बार में माणिक्यलाल वर्मा कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी थे, शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उनके ससुर थे माणिक्यलाल वर्मा, बड़ा नाम, वो वहाँ से सांसद रहे उदयपुर से। और उसके बाद में दीन बंधु सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर, जनरल सीट पर। लेकिन उसके बाद 62 में ये एसटी के लिए रिजर्व हो गई थी जी। और धुलेश्वर मीणा वहाँ से दो बार सांसद बने कांग्रेस के टिकट पर। धुलेश्वर मीणा कांग्रेस के टिकट पर जब सांसद रहे तो तीसरी बार में धुलेश्वर मीणा चुनाव हार गए और उनको स्वतंत्र पार्टी के लालिया ने चुनाव हराया था जी। तो मेरे ख्याल से जो आपने जनसंघ बोला है, मेरे को लगता है कि जनसंघ नहीं, वो स्वतंत्र पार्टी है। दरअसल उस वक्त एक संयुक्त दल बना था, अच्छा, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, संसोपा यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रसोपा, प्रजा समाजवादी पार्टी, इन चारों ने मिला के 67 में चुनाव लड़ा था। तो ये शायद उस समय की, मुझे लगता है, अंदाजा या उसके बाद की स्थिति रही होगी। तो स्वतंत्र पार्टी के चुनाव पे उस पर जीते थे लालिया, धुलेश्वर मीणा को रहा था। फिर ये वापस जनरल सीट हो गई जी। और जनरल सीट होते ही पहली बार 77 में वो कागजों में तो भारतीय लोकदल लिखा जाता है, क्योंकि 77 में जनता पार्टी नहीं बनी थी, कागजों में सरकार में चुनाव आयोग में जनता पार्टी नहीं थी, वो सब बीएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे हल्दर किसान पे जी। तो भानु कुमार शास्त्री जो प्रखर वक्ता थे जनसंघ के, आप इसलिए कहते हैं जनसंघ के पास ही सीट रही, दरअसल वो बीएलडी है कागजों में पर वास्तव में वो जनसंघ के थे, प्रखर वक्ता थे, मोहनलाल सुखाड़े के बहुत अच्छे दोस्त थे जी। पर बिल्कुल विपरीत दूरी थे दोनों, कई बार चाय साथ पीते थे थड़ियों पे, पर दोनों विपरीत दूरी थे। तो भानु कुमार शास्त्री एक प्रखर वक्ता थे जनसंघ के, उन्होंने बीएलडी यानी भारतीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर हल्दर किसान पर चुनाव लड़ा 77 में। पूरे देश में हल्दर किसान पर चुनाव लड़ा गया था, जनता पार्टी के प्रत्याशी कहलाते थे, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में बीएलडी है, भारतीय लोकदल है, तो वो वहां से जीते। पर इसके बाद जब 80 का चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी जेल से बाहर आई और हम उनकी सारी बातें हुई, कांग्रेस रिटर्न हुई वापस जी, उस वक्त मोहनलाल सुखाड़िया ने भानु कुमार शास्त्री को हराया चुनाव। मोहनलाल सुखाड़िया वो व्यक्ति थे जिन्होंने 17 साल राजस्थान में राज किया, मुख्यमंत्री रहे 17 साल, और लोग ये कहते थे कि उनकी राजधानी भले जयपुर हो लेकिन उनकी राजधानी तो दिल्ली, तो उदयपुर ही थी जी। उदयपुर के विकास पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है, आज भी लोग याद करते हैं जी। और मोहनलाल सुखाड़िया को इंदिरा गांधी ने 69 में जब इंडिकेट सिंडिकेट बनी थी, वीवी गिरी को अंतरात्मा की आवाज़ पे इंदिरा गांधी ने वोट डलवाए थे, और मोहनलाल सुखाड़े ने कहा मैं तो कांग्रेस संगठन के साथ रहूंगा, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को वोट डाले थे राजस्थान में, अधिकांश लोगों ने, तो हटा दिया था इंदिरा गांधी ने उनको और राज्यपाल बना के भेज दिया था उनको। वापस बुलाकर उन्हीं इंदिरा गांधी ने,
जो उनसे नाराज थी, खफा थी, चुनाव लड़ा 1980 में वापसी के लिए जनता पार्टी से वापस सत्ता हासिल करने के लिए, और मोहनलाल सुखाड़िया सांसद बन के गए। लेकिन बाद में उपचुनाव हुआ यहाँ पर, दीनबंधु वर्मा उपचुनाव में जीते जी। और दीनबंधु वर्मा माणिकलाल वर्मा के बेटे हुआ करते हैं, वो चुनाव जीते यहाँ से उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ही। फिर उसके बाद एक बार इंदुबाला सुखाड़िया भी चुनाव जीती, मोहनलाल सुखाड़िया की पत्नी, स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की पत्नी इंदुबाला सुखाड़िया को एक बार टिकट दिया गया जी। मैं समझता हूँ कि वो दीनबंधु वर्मा के बाद बाई इलेक्शन के बाद उनको टिकट दिया गया 84 में, वो जीती। उन्होंने भानु कुमार शास्त्री को हराया, और ये मजे की बात यह है कि भानु कुमार शास्त्री को इंदुबाला सुखाड़िया ने भी हराया, भानु कुमार शास्त्री को मोहनलाल सुखाड़िया ने भी हराया, दोनों ने हराया जी। एक बार यहाँ पे जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके सुंदर सिंह भंडारी भी चुनाव हार चुके हैं एक बार, और सुंदर सिंह भंडारी को दीनबंधु वर्मा ने उपचुनाव में हराया था। ये ऐसी सीटें जहाँ से 3 बार गिरिजा व्यास सांसद रह चुकी हैं, अकेली वही हैं जो एक बार दूसरी बार जीती थी, और 3 बार वो यहाँ से सांसद रही हैं। धुलेश्वर मीणा थे तो ST जब सीट थी तब 2 बार जीते थे, बाद में धुलेश्वर मीणा को RPSC का मेंबर बना दिया गया था। तो गिरिजा व्यास 3 बार जीती, किरण महेश्वरी भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, गुलाबचंद कटारिया भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं जब ये सीट जनरल थी। तो कई बड़े दिग्गज नेता, गुलाबचंद कटारिया, गिरिजा व्यास, शांतिलाल चपलो जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष रहे वो भी यहाँ से रह चुके हैं। तो जैन भी जीत जाता है यहाँ पे, महेश्वरी भी जीत जाती है यहाँ पर, इंदुबाला सुखाड़िया भी जीत जाती हैं, गुलाबचंद कटारिया भी जीत जाते हैं, गिरिजा व्यास भी 3 बार जीत जाती हैं। मिक्स कल्चर की सीट थी, लेकिन डीलिमिटेशन के समय प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा क्षेत्र इसमें मिल गया एक तो, और दूसरा विधानसभा क्षेत्र इसमें मिल गया आसपुर डूंगरपुर का, तो इसकी वजह से ये सीट झुक गई ST की तरफ, और डिलिमिटेशन के बाद इसको ST में 2009 में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये ST के लिए रिजर्व सीट है। 2009 में रघुवीर मीणा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी बने देश में, उनको काफ़ी जगह कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक का मेंबर बनाया गया, बड़ा बड़ा ओहदा दिया गया। हालांकि राजनीतिक कद उनका वैसा नहीं है, लेकिन उनको ओहदा बड़ा मिला ST क्षेत्र से आने की वजह से रघुवीर मीणा को, और वो लेकिन वो सीधे सरल व्यक्ति वैसे के वैसे बने हुए हैं। अभी भी पिछला चुनाव वो हार गए थे, मोदी लहर में वो अर्जुन लाल मीणा से चुनाव हार गए थे, अर्जुन लाल मीणा को फिर BJP ने चुनाव लड़ाया, और वही रघुवीर मीणा सामने चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार फाइट सीधी नहीं है, ये फाइट ट्रेंगुलर हो गई है। BTP भारतीय ट्राइबल पार्टी एक नई पार्टी का जन्म हुआ है विधानसभा चुनाव में, वो बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके में से दो विधानसभा क्षेत्र जीत के आई है, दो विधानसभा क्षेत्र जीत, और उसका असर अब उदयपुर में भी देखने को मिला है। बिरधी लाल हैं जो यहाँ से, बिरधीलाल छंगानी या क्या कुछ नाम है, सही छंग, वो मैदान में है। हाँ, वो मैदान में है, और कहीं ना कहीं वो जो नुकसान पहुंचाएंगे वो कांग्रेस को ही पहुंचाएंगे। NTBJP जो वोट है, एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, वो बट रहा है इनकी वजह से, और ST के होने के साथ साथ उन्होंने जल, जंगल और जमीन इसके लिए बड़ा आंदोलन किया आदिवासियों के बीच में, तो एक तरह का NGO टाइप व्यक्ति जो होते हैं समाज सेवी, और उस तरह की छवि है। तो ये आदिवासियों में अलग तरह की पकड़ भी रखते हैं, पॉलिटिकल लीडर नहीं होते, इनकी एक सोशल लीडर की छवि है। और BTP भारतीय ट्राइबल पार्टी जी, जो छोटी भाई असावा ने गुजरात में बनाई थी जी। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ, छोटी भाई असावा गुजरात में विधायक थे, और जब अहमद पटेल का राज्यसभा में चुनाव का कंट्रोवर्सी चल रही थी, छोटी भाई असावा ने उस वक्त अहमद पटेल का कांग्रेस साथ दिया था। अभी छोटी भाई असावा को भरूच में लोकसभा सीट देने की बात थी, कांग्रेस सेटलमेंट कर रही थी उनसे, बदले में वो बांसवाड़ा डूंगरपुर और उदयपुर में सीट में खड़े नहीं करते प्रत्याशी, लेकिन वो बात वहाँ फेल हो गई गुजरात में, उसी वजह से इन 2 सीटों को कांग्रेस ने खतरे में डाल दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिस पर हम बाद में बात करेंगे जी, वो भी खतरे में भारतीय ट्राइबल पार्टी की वजह से, और उदयपुर भी खतरे में, क्योंकि दोनों जगह NTBJP वोट 2 हिस्सों में बट रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का वोट 2 हिस्सों में बट रहा है, प्लस ट्राइबल्स में, आदिवासियों में, जनजाति के लोगों में इस पार्टी के प्रति एक, इसमें जो एग्रेसिव लोग हैं जी, आदिवासियों के, जिनको पहले कभी नक्सलिस्ट भी कह देते थे लोग, नक्सलवाद पनप रहा है जी। मैं नहीं मानता कोई नक्सलवाद ना पनप रहा, लेकिन वो आदिवासियों के, वो मुद्दों की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, मुझे लगता है तो वो लोगों की समझ में आती है वो चीजें, तो वो चीज समझ में आती है। इसलिए कांग्रेस को दोनों सीटों पर इस भारतीय ट्राइबल पार्टी से खतरा है। अनिल जी, एक बात और देखने में आ रही है, अर्जुन लाल मीणा के साथ
गुलाबचंद कटारिया जोर शोर से लगे हैं, बिल्कुल उन्होंने उनकी जो प्रचार की जो कमान है संभाली हुई है। लेकिन बात करें रघुवीर मीणा की, तो गिरजा व्यास वहां पे दिखाई नहीं दे रहे। गिरजा व्यास की उम्र भी बहुत हो गई, अभी विधानसभा चुनाव जब लड़ा था मैं मिलकर आया था तो बीमार भी थी और उनमें वो एग्रेशन है भी नहीं, और वहाँ की कांग्रेस बहुत डिवाइडेड हाउस है उदयपुर की, तो इतने नेता हैं, इतनी तरह की कंट्रोवर्सी है। गुलाब जी कटारिया ने उसको बांध के रखा अपनी पार्टी को, बीजेपी को, प्लस उनकी अर्जुन लाल मीणा से अदावत चल रही थी एक साल पहले तक जी। फिर दोनों में लोगों ने बीच बचाव किया, बात हुई, गुलाब जी ने समझा चीज़ों को, उन्होंने समझाया उसको अर्जुन मीणा को, अब गुलाब जी कमान को संभाले हुए हैं। तो लोग पहले जो उम्मीद करते थे गुलाब जी साथ नहीं देंगे, गुलाब जी खिलाफ होंगे, गुलाब जी मेवाड़ की सारी सीटों को जिताने के लिए जी जान से लगे हैं, और जैसा हम चर्चा भी करेंगे दिया कुमारी को जिताने के लिए टिकट दिलाने में भी उनका बड़ा हाथ था गुलाब जी का, और गुलाब जी ही चित्तौड़गढ़ सीट पे भी उसी तरह काम कर रहे हैं। तो ये तीनों चारों सीटें हैं वागड़ और मेवाड़ की जी। इस पर गुलाबचंद कटारिया काफ़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं जी। कुल मिलाकर इस सीट पर कांटे की टक्कर है जी जी बिल्कुल। और बहुजन समाज पार्टी क्षमा करें भारतीय ट्राइबल पार्टी जी BTP जी, ये कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है ऐसा मुझे लग रहा है जी। अभी यहाँ पे 8 विधानसभा क्षेत्र हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, उनमें भी केवल खैरवाड़ा की सीट कांग्रेस के पास है, इसके अलावा कोई सीट कांग्रेस के पास नहीं है। वहाँ भी दयाराम परमार है वो कांग्रेस के, बाकी 7 सीटें बीजेपी के पास है जी। तो इसलिए बीजेपी पलड़ा वैसे भी भारी है, और रघुवीर मीणा को काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है, 2 मोर्चों पर BTP से भी लड़ना है और बीजेपी से भी लड़ना है जी।